हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने कंस्ट्रक्टर और उसके सभी टाइप्स को कवर कर लिया था। जैसा कि हम जानते हैं, कंस्ट्रक्टर का यूज ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए किया जाता है। वैसे ही जब हम उस मेमोरी का यूज कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर के द्वारा, उसके बाद में हमें उस मेमोरी की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, तो हमें उस कंप्यूटर मेमोरी को डिस्ट्रक्ट कर देना चाहिए, यानी कि डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। इसके लिए C++ में कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रक्टर का। डिस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है, तो अपन कह सकते हैं डिस्ट्रक्टर is a special type of method। एक special type का क्या है? method है, जिसका use हम object को destroy करने के लिए करते हैं। its use for to destroy created object। जो object create किए गए हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? डिस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। डिस्ट्रक्टर के भी कंस्ट्रक्टर के जैसे कुछ रूल्स है, उनको हमें जरूर पढ़ना चाहिए, हमें ये रूल आने चाहिए। जैसा कि हमको पता है, कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो क्लास के नाम के जैसा होता है, ऐसा ही डिस्ट्रक्टर के साथ में भी है। तो अपन कह सकते हैं डिस्ट्रक्टर नेम same as must be same as a class name। डिस्ट्रक्टर का नाम भी क्लास के नाम के जैसा होना चाहिए। उसके बाद में हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता, लेकिन आर्ग्यूमेंट हो सकता है। वैसे ही नो रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप is used for destructor। destructor का भी कोई return type नहीं होता है। and no argument used in destructor। destructor में कोई भी argument भी नहीं होते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि जैसे माना class का नाम है test, अपने कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या होना चाहिए? टेस्ट होना चाहिए। डिस्ट्रक्टर का नाम भी क्या होना चाहिए? टेस्ट होना चाहिए। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये कंस्ट्रक्टर है और ये डिस्ट्रक्टर है? इसलिए एक विशेष सिंबल टिल्ड का यूज किया जाता है डिस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करने के लिए। टू डिक्लेयर ए डिस्ट्रक्टर वी यूज टिल्ड। इस सिंबल का नाम है टिल्ड सिंबल यूज। ये आपको ध्यान में रखना है। डिस्ट्रक्टर को भी कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही क्लास के हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, इन्वोक हो जाता है। तो व्हेन ए क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड डिस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिक इनवॉक। डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? इनवॉक हो जाता है। अब एक बात और आपको ध्यान रखनी है, इन वन क्लास देयर मस्ट बी ओनली वन डिस्ट्रक्टर अलाउड। जैसे हम एक क्लास में कई कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एक क्लास में केवल डिस्ट्रक्टर एक ही बनाया जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक रूल्स है जो आपको पता होने चाहिए, जिसमें पहला क्या है, डिस्ट्रक्टर का नाम किसके नाम के जैसा होना चाहिए? क्लास के नाम के जैसा। जैसे क्लास का नाम है टेस्ट,
क्लास का नाम क्या है? टेस्ट है, तो डिस्ट्रक्टर का नाम भी क्या होगा? टेस्ट ही होगा, ठीक है। नो रिटर्न टाइप, डिस्ट्रक्टर का ना तो रिटर्न टाइप होता है और ना ही आर्ग्यूमेंट होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में टू डिक्लेयर ए डिस्ट्रक्टर, अगर आप डिस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर रहे हो तो उसके पहले ये टिल्ड का साइन आपको अवश्य ही लगा देना है। एक जब डिस्ट्रक्टर इन्वोक यानी कि कॉल कब होता है? जब क्लास के क्या क्रिएट कर लिए जाते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए जाते हैं, तो डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक यानी कि कॉल हो जाता है और मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक क्लास में कितने डिस्ट्रक्टर हो सकते हैं? एक ही डिस्ट्रक्टर हो सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि एक क्लास में कितने डिस्ट्रक्टर हो सकते हैं। मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं लेकिन मल्टीपल डिस्ट्रक्टर नहीं हो सकते। तो चलिए मैं आपको एक सिंपल प्रोग्राम से पहले बताता हूं कि डिस्ट्रक्टर कैसे हम क्लास में यूज करते हैं, उसके बाद में हम एक प्रोग्राम एग्जांपल प्रोग्राम हम और देखेंगे। तो चलते हैं कोड ब्लॉक के ऊपर, आई होप इतना मैटर आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं कोड ब्लॉक पे और नई एक फाइल को क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं des.cpp। इसमें सबसे पहले मैं लिखता हूं हेडर फाइल iostream और यूजिंग नेम स्पेस std, और उसके बाद में क्लास क्रिएट करते हैं टेस्ट के नाम से। एक बार मैं सिंपल ही प्रोग्राम बना रहा हूं कि कैसे कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर इन्वोक होते हैं। तो इसमें मैंने क्लास बनाई किस नाम से? टेस्ट के नाम से। अब चूंकि आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का भी नाम कैसा होता है, क्लास के नाम के जैसा होता है, तो पहले मैं एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं। कंस्ट्रक्टर ये आपको पता होगा कि टेस्ट क्लास का नाम है और टेस्ट ही किसका नाम है? कंस्ट्रक्टर का। और ये कैसा कंस्ट्रक्टर है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो हमारे पिछले वीडियो ट्यूटोरियल आप जरूर देखिए जिसमें टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने विस्तार से आपको समझाया है। तो टेस्ट नाम से कंस्ट्रक्टर बनाया हमने, इसमें एक मैसेज दे देते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ये मैंने मैसेज दे दिया। अब एक बनाते हैं डिस्ट्रक्टर, तो सबसे पहले टिल्ड का सिंबल लगाना है, क्लास का नाम के नाम के जैसा ही डिस्ट्रक्टर होता है, और इसको ओपन डिफाइन कर देते हैं। डिस्ट्रक्टर को भी हम क्या कर देते हैं? डिफाइन कर देते हैं, और इसमें एक मैसेज दे देता हूं सिंपल सा, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड और हैंडल लगा देता हूं। ये अपने कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों हो गए डिक्लेयर। अब इनका मेन फंक्शन में क्लास का क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो क्लास का नाम है टेस्ट और मैंने डिस्ट्रक्टर के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो कंस्ट्रक्टर भी इन्वोक हो गया और डिस्ट्रक्टर भी इन्वोक हो गया। अब लगाते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। अब इसको रन करके एक बार चेक कर लेते हैं, कोई गलती है तो अपन चेक कर लेते हैं। बिल्कुल कोई भी गलती नहीं है, एक मैसेज अपना आया ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट जैसे ही हमने क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, वैसे ही मैसेज आ गया ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। और जब हमने इसका यूज कर लिया तो ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये था एक बेसिक एग्जांपल प्रोग्राम किसका? हमने बनाया कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का। अब मैं आपको एक अच्छा प्रोग्राम बना करके एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं कि किस प्रकार से हम डिस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। तो आई होप आपके ये सिंपल एक डेमो जैसा प्रोग्राम आपके समझ में आया होगा। चलिए यहां से मैं हटा देता हूं पूरा ही मैटर और मैं क्लास बनाता हूं। क्लास वही ले लेते हैं अपन, क्लास कौन सी ले लेते हैं? टेस्ट के नाम से ही क्लास ले लेते हैं। पहले एक स्टैटिक डेटा मेंबर बना लेते हैं क्लास के बाहर, स्टैटिक इंट काउंट। इसकी आपको इनिशियल वैल्यू पता होगी, जीरो होती है और मैंने जीरो लिख भी दी है।
अगर आपको स्टैटिक डेटा मेंबर का नहीं पता है तो आप पीछे वाले वीडियो लेक्चर में जाकर के इसको अवश्य देख लें, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। स्टैटिक इंट काउंट की वैल्यू कर दी है, अब अपन एक क्लास बनाते हैं किस नाम से, टेस्ट के नाम से। इसमें मैं पब्लिक में यूजर डिफाइन कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, किस नाम से बनेगा, टेस्ट के नाम से बनेगा, और इसको यहीं अपन डिफाइन भी कर लेते हैं। और इसमें एक काउंटर वेरिएबल लेते हैं कि जैसे ही जितने कंस्ट्रक्टर हम कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें ये बता देगा, क्योंकि काउंट की जो प्रारंभिक वैल्यू है वो है जीरो। अब जैसे हमने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी, दो बनाए तो टू हो जाएगी, ऐसे ये चलता रहेगा ताकि अपने को पता लगे कि कितने आपने कंस्ट्रक्टर बनाए हैं। तो मैंने किया टेस्ट के अंदर काउंट की वैल्यू को अपन क्या कर देते हैं, प्लस प्लस कर देते हैं। इससे ये क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा नंबर ऑफ टाइम्स कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, कितनी बार कंस्ट्रक्टर को कॉल किया गया है। और एक मैसेज भी आ जाए सी आउट के अंदर, क्या मैसेज आए, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ये मैसेज भी आ जाए। ठीक है, कॉल किसको करेंगे, काउंट को करेंगे, और क्या लगा देते हैं, हैंडल लगा देते हैं। आई होप आपको ये जो लाइन है, ये जो मैंने लाइन लिखी है, ये आपके समझ में आ गई होगी कि हमने एक ऊपर काउंट नाम से क्या लिया है, काउंट नाम से स्टैटिक डेटा मेंबर लिया है जिसकी प्रारंभिक वैल्यू कितनी है, जीरो है। फिर हमने एक क्लास बनाई है टेस्ट के नाम से, उसमें टेस्ट के नाम से ये क्या है, ये है कंस्ट्रक्टर, क्या है, कंस्ट्रक्टर। अब हमने काउंट प्लस प्लस क्यों लगाया है, क्योंकि काउंट की प्रारंभिक वैल्यू है जीरो। अब जैसे हमने इस टेस्ट क्लास का आगे मेन के अंदर एक क्या बनाया, टी वन नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ पे मैसेज आएगा काउंट की वैल्यू शुरुआत में कितनी है, जीरो। एक ऑब्जेक्ट बनाते ही काउंट प्लस प्लस होगा, जीरो से क्या हो जाएगा, वन, मैसेज आएगा वन, फिर नीचे आएगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, और काउंट की वैल्यू कितनी आएगी कि आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। फिर मान लेते हैं अपन ने टी टू और बना लिया, तो दूसरा मैसेज आएगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, आगे क्या आएगा, टू आएगा। तो ये इतने कंस्ट्रक्टर का ये मीन रहने वाला है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम बनाते हैं डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए भी क्लास के नेम का यूज करेंगे, लेकिन सबसे पहले टिल्ड का सिंबल लगाएंगे, क्लास का नेम क्या लिख दिया, टेस्ट ही लिख दिया है। उसके बाद में हम इसको भी यही डिफाइन कर लेते हैं। ये क्या करेगा, ये काउंटर की वैल्यू को जैसे ही मेमोरी अपन ने यूज कर ली तो उस मेमोरी को हमें क्या करना है, उस मेमोरी को हमें डिस्ट्रॉय करना है। तो ये काउंट की वैल्यू माइनस माइनस करवाएगा, तो पहले मैसेज दे देते हैं सी आउट, क्या दे दिया, बैक स्लैश एन का यूज करते हैं ताकि मैसेज अगली लाइन में आए, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या, डिस्ट्रॉयड, कितने ऑब्जेक्ट आपने डिस्ट्रॉय किए हैं। और कॉल किसको कर देंगे, काउंट को कॉल कर देंगे, और काउंट को क्या करते जाएंगे, माइनस माइनस, हर बार काउंट की वैल्यू एक एक क्या करेंगे, माइनस में करेंगे। अब इस लाइन का मतलब देखिए, जैसे हमने दो बनाए कंस्ट्रक्टर, तो मैसेज आएगा नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर क्रिएटेड वन टू, अब जब हमने यूज कर लिया उसका तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय टू, और काउंट की वैल्यू अब टू से क्या होगी, वन होगी, फिर आएगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय वन, काउंट की वैल्यू वापस क्या होगी, जीरो जो पहले थी। इस प्रकार से मतलब कितनी बार डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है इस लाइन से, ये हमें पता या मालूम चल जाएगा। तो आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। अब हमारे क्लास क्रिएट हो गई है, इसमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया है, डिस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया है, अब हमें क्लास के क्या बनाने हैं, ऑब्जेक्ट बनाने हैं, जो कि हम मेन फंक्शन में बनाएंगे। मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ क्लास के मैंने क्लास का नाम क्या है, टेस्ट है। मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ टी, तो जैसे ही मैंने टी बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो वहां पे मैसेज आएगा नंबर ऑफ
ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, इतना करने से वो जो ऑब्जेक्ट जो आपका कंस्ट्रक्टर है वो इन्वोक हो गया, क्रिएटेड, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड वन, ठीक है, ये मैसेज आया इससे। फिर मैंने बनाया टी वन, टी वन के बनाते ही यहां पर हो गया नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड टू। फिर मैंने बनाया टी टू, टी टू जैसे ही मैंने क्रिएट किया तो यहां पे आ गया नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड थ्री। फिर मैंने बनाया टी थ्री, टी थ्री तो मैसेज आया नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फोर। तो आपने देखा कि किस प्रकार से ऑब्जेक्ट कितने क्रिएट हुए हैं, ये काउंटर के कारण हो रहा है। पहला टी बनने से पहले काउंट की वैल्यू जीरो थी, जीरो से बढ़ के क्या हो गई, वन हो गई। फिर टी टू बनाते ही टू हो गया, टी टू थ्री हो गया, टी थ्री से चार बार हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। अब हम करते हैं डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय कर जैसे ही आपने क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए वैसे कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो गया और वैसे ही डिस्ट्रक्टर भी इन्वोक हो गया। तो नंबर ऑफ, अब इसके नीचे मैसेज आएगा, उल्टा चलता है ये, नीचे से ये डिस्ट्रॉय करेगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय फोर थ्री टू वन, इस प्रकार से अपना मैसेज आने वाला है, मतलब अपना आउटपुट इस प्रकार से आने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसका, इस प्रोग्राम का आउटपुट, रिटर्न स्टेटमेंट हम इसमें लिख देते हैं। तो मैंने किया बिल्ड में गया, बिल्ड एंड रन मैंने किया, कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कोई भी एरर नहीं है। तो आप देख पाएंगे अपनी आंखों से कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड एक, ये हमारा यही था, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड दो, ये दो, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड तीन, तीन, चार और चार, डिस्ट्रॉय फोर थ्री टू वन, फोर थ्री टू वन। इस प्रकार से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और उनको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब हम चाहें तो इसमें कुछ अच्छा सा मैसेज बना के भी लिख सकते हैं, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको इस मेन में थोड़ा सा चेंजेस करके भी दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं मेन ब्लॉक में आया तो मैंने एक मैसेज दे दिया कि ये कौन सा ब्लॉक है, दिस इज मेन ब्लॉक, ये कौन सा ब्लॉक है भाई, दिस इज मेन ब्लॉक, ये मेन ब्लॉक है। बैकस्लैश एन भी लगा देता हूं ताकि अगला मैसेज नीचे को आए। फिर मैंने क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, टेस्ट क्लास है अपनी, और टी वन यहां पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ये मैंने कमेंट दे दिया। फिर मैंने एक ब्लॉक बनाया, क्या बनाया, ब्लॉक, इसमें एक मैसेज देता हूं क्या, ब्लॉक वन, ब्लॉक वन, और बैकस्लैश एन लगाता हूं ताकि नेक्स्ट लाइन पे आउटपुट आए। अब मैंने इसमें एक ऑब्जेक्ट और बनाया टी टू और एक ऑब्जेक्ट और बनाया टी थ्री, इस ब्लॉक के अंदर है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही मेन में आएंगे तो टी वन का ऑब्जेक्ट क्रिएटेड हो गया तो मैसेज आ जाएगा मेन ब्लॉक, मैसेज क्या आएगा, मेन ब्लॉक और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड वन, फिर क्या होगा, ब्लॉक वन होगा, ये देखिए ब्लॉक वन है, इसमें दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं तो नंबर ऑफ, ये अपन मैसेज देंगे आगे। तो मैं इस ब्लॉक के जैसे ही बाहर आते ही ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इनका स्कोप इस ब्लॉक के अंदर ही था। तो मैं जैसे ही बाहर निकला मैंने एक मैसेज भी दे दिया अंदर ही कि मैं बाहर निकलूंगा, सी आउट में मैंने मैसेज दे दिया एग्जिट फ्रॉम ब्लॉक वन, मैंने कर दिया एग्जिट फ्रॉम ब्लॉक वन। अब हम कौन से ब्लॉक में है, अब हम मेन ब्लॉक में है, इस ब्लॉक का स्कोप तो समाप्त हो गया है। देखिए अब हम कौन से ब्लॉक में है, मेन ब्लॉक में है। तो मैंने एक मैसेज दिया, यहां से बाहर निकलने के लिए अपन ने लगाएंगे एग्जिट फ्रॉम मेन ब्लॉक, एग्जिट फ्रॉम मेन ब्लॉक और रिटर्न जीरो। अब इसको ध्यान से और तसल्ली से इसको समझिए, मैं आपको पूरा आउटपुट समझाता हूं। तो सबसे पहले प्रोग्राम का कंट्रोल मेन में आएगा
और लिखा हुआ क्या आएगा, दिस इज मैन ब्लॉक। क्या लिखा हुआ आएगा, दिस इज मैन ब्लॉक, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये देखिए। ठीक है, जैसे ही T1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो क्या आएगा, वहां पे मैसेज था, ऐसे मैसेज था ना नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर में, ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड क्या है, एक, क्योंकि हमने एक क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बनाया है, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 1 आ गया। उसके बाद में हम आगे ब्लॉक में, और मैंने लिखा ब्लॉक 1 और यहां पे 2 क्या बना दिए, तो मैसेज आ जाएगा क्या, ब्लॉक 1 मैसेज आ जाएगा, 2 ऑब्जेक्ट बनाए तो फिर से मैसेज आएगा, क्या मैसेज आएगा, नंबर ऑफ, ये नंबर कर देता हूं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 2 बार मैसेज आएगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ये 2, और एक बार हो रहेगा क्योंकि एक ऑब्जेक्ट और बनाया है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, राइटिंग का आप देख लीजिएगा, क्रिएटेड, आई होप आपके समझ में भी आ रहा होगा। 3 है, 3 ऑब्जेक्ट यहां तक बन चुके हैं। फिर एक मैसेज आएगा एग्जिट फ्रॉम ब्लॉक 1, क्योंकि ब्लॉक 1 में 2 ही थे, दोनों हमने कर दिए, तो एक मैसेज आएगा क्या, एग्जिट फ्रॉम कहां से, ब्लॉक 1 से, क्योंकि ब्लॉक 1 का स्कोप क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। देखिए ये मैसेज आ गया है अपना, एक एक मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद में एग्जिट फ्रॉम मेन ब्लॉक, अब क्या होगा, जैसे ही यहां पे आए तो ऑब्जेक्ट होंगे डिस्ट्रॉय, क्या होंगे, 3 ऑब्जेक्ट हो गए, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय 3, फिर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय 2 नंबर, फिर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय 1 नंबर, फिर आ जाएगा एग्जिट फ्रॉम मेन ब्लॉक। तो इस प्रकार से अपने मैसेज आने वाले हैं। तो चलिए इसको रन करके भी अपन देख लेते हैं, और यहाँ पे कोई मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है, अच्छा सेमी कॉलोन मैंने नहीं लगाया है, ये आपको भी ध्यान में रखना है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो ये एरर आने से भी हमारे को कुछ समझ में ही आता है, इससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हो सके उतनी गलतियां आपको प्रोग्राम में भी और लाइफ में भी कम करनी चाहिए। देखिए, दिस इज मैन ब्लॉक, देख लीजिए, दिस इज मैन ब्लॉक, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 1, ये 1, फिर ब्लॉक 1, ये देखिए ब्लॉक 1, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 2, 3, ये देखिए एग्जिट फ्रॉम ब्लॉक 1, ये देखिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 3, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 2, एग्जिट फ्रॉम मेन ब्लॉक और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय 1। तो इस प्रकार से सारे मैसेज मैंने आपको भली और भांति दिखा दिए हैं, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप आराम से ले सकते हैं। तो ये था अपना डिस्ट्रक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट, आई होप आपके समझ में आया होगा। मैंने भांति भांति के एग्जाम्पल द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने फ्रेंड से भी करवाएं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।